आज शुक्रवार दिन एटा में कुसवा ग्राम पंचायत के राशन डीलर प्रेम पाल सिंह पुत्र जामुन प्रसाद उपरोक्ता गांव के ही निवासी हैं। ग्रामीण लोगों ने बताया है कि ये दबाव व्यक्ति है। प्रधान के ग्रामीण लोगों के सत्ता पक्ष में घोष देते हैं। वह कहते हैं कि हमारा लोग क्या बिगाड़ सकते हैं, दुकान तो जिले के हमारे विभाग के अधिकारी के चलवाते हैं, तुम सब लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राशन कार्ड धारकों पर राशन ना मिलने पर सीधा जिला पूर्ति कार्यालय पर आ धमके। राशन डीलर सप्लाई इंस्पेक्टर भी मिली भगत का आरोप लगाया है। एक व्यक्ति ने ऐसा भी बताया है कि डीलर कई बार आधार कार्ड दे चुका है और आधार कार्ड मीडिया को भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के दिनेश की रिपोर्ट एटा से। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव, ग्राम पंचायत प्रधान कुशवा जी। ये आज आपके साथ जो पब्लिक आई है जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर, इसमें आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है जानबूझ करके जी, दबंगई से जी, जबरदस्ती से जी। जिन लोगों ने जब हमसे कहा तो हम भी कोटा पे गए जी। डीलर साहब से हमने कहा भैया ये क्या हो रहा है जी, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरे पास किसी के आईडी प्रूफ नहीं आए जी। जबकि ये लोग कह रहे हैं कि मैंने सब लोगों ने उनको आईडी प्रूफ दिए जी, ठीक है। और जब मैंने कहा इनका राशन दो तो वो कह रहे हैं कि हमारा राशन ऐसे नहीं दे पाएंगे, हमारे यहाँ से इनके नाम कट गए। नाम कैसे कट गए इनके? ये मर गए, गांव से भाग गए, कहाँ गए जी? नहीं, अब आपको क्या सांत्वना मिली है? हमें तो कोई सांत्वना नहीं मिली है, इंस्पेक्टर साहब है नहीं यहाँ। हम तो कल जाएंगे डीएम साहब का आवास भेजेंगे कल से।